हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसका 13th क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, देखो, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, आपने किसका यूज करना है, जो डिटरमिनेंट है उनकी प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इसको प्रूफ कराना है। 13th क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखते हैं फिर हम इसको कैसे प्रूफ करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको प्रूफ क्या कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, डिटरमिनेंट में कोई नंबर्स दे रखे हैं आपके, तो यहाँ पे देखना है आपने ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, साथ में 3v है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी आएगा कैसे। इसमें हमने बनाना है, इस डिटरमिनेंट के अंदर a प्लस बी प्लस सी टाइप का कोई एलिमेंट लेना है, यहाँ पे इस टाइप का बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है, देन उसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखोगे, जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से जो आइडेंटिकल वाली रो और कॉलम आइडेंटिकल होती थी तो डिटरमिनेंट जीरो होता था, तो इसका मतलब कोई आइडेंटिकल तो होंगे नहीं, तो आपको पूरा जीरो बन जाएगा। तो अदर देन उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा मेन एम जो यहाँ पे रहेगा ए प्लस बी प्लस सी बनाने का रहेगा इसमें अंदर से। ठीक है, तो इसको कैसे बना सकते हैं, देखो ये 3a, 3a में अगर हम इस a को माइनस कर दें, इस a को भी माइनस कर दें, ठीक है, तो आपका a बन जाना है सीधे यहाँ पे, और ये माइनस करोगे तो ये प्लस आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी आ जाना है, ऐसे इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, अगर आप रो में लेके चलते हो। ठीक है, किसी रो में, या कॉलम में करते तो कॉलम में भी बन जाएगा, कॉलम में करोगे तो क्या बनेगा आपका ये, और इसमें आप इसको प्लस करो, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ऐसी आपका ये। तो हम यहाँ पे कॉलम को लेके चलते हैं। ठीक है, इन कौन से वाले में, सी वन, फर्स्ट वाले कॉलम की बात करते हैं। सी वन में किसको, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर लेते हैं। आप रो भी लेके चलते हैं, रो में भी बनेगा आपका, इस वाले रो में ले लो तो ये आपका, इसको ऐड करोगे सभी को, सब्ट्रैक्ट कराओगे मतलब, तो आपका वही आ जाएगा। ठीक है, हम कॉलम को लेके चलते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा आपका 3a, 3a में क्या करना है, आपने सेकेंड वाले कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करोगे तो 3a में से a चले जाएगा और इसको भी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा, बचेगा कितना आपका a बचेगा फिर यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कितना बचेगा आपका b प्लस का और c भी प्लस का, a प्लस b प्लस c आ जाएगा, क्लियर है इतना। और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस ये करोगे तो कितना बन जाएगा, बी प्लस ए प्लस सी बनेगा ये भी। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में आपका ये भी आपका वही बनेगा, इसको भी हम ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो, चलो उल्टे में लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको आप देख लें, एडजस्ट कर लोगे, ए प्लस बी प्लस सी कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो आगे पीछे कर लेंगे हम इसको। नेक्स्ट, अब ये वाले आपको वही रहेंगे क्योंकि हम इसमें सी टू और सी थ्री में हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सी टू और सी थ्री क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, ये सी वन सी टू सी थ्री था। नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपका, ए प्लस बी थ्री बी माइनस सी प्लस बी एंड माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी एंड थ्री सी, ये वाले वैसे रहे आपके। ठीक है, इतना। अब नेक्स्ट क्या करोगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी आपका आ चुका है यहां अंदर, ए प्लस बी प्लस सी को आप क्या कर लो, बाहर ले लो, टेकिंग आउटसाइड, उसको हमने क्या कर दिया, बाहर कर लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका बाहर आ गया, तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा अब आपका, वन 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 बचा, और यहाँ क्या रहेगा आपका, वही रहेंगे a प्लस बी थ्री बी माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी एंड थ्री सी। ठीक है, इतना। नेक्स्ट अगली चीज हमने ये लानी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको लाने के लिए यहाँ पे आप डिटरमिनेंट को थोड़ा सा सॉल्व एक्सपेंड, देखो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड तो कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एक्सपेंड यहां से भी कर सकते थे इसको, अलॉन्ग आर वन आर टू आर थ्री किसी भी अलॉन्ग, या सी वन सी टू सी थ्री किसी भी अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हो, इसको आंसर वही आएगा आपका, यही आएगा। बट इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करना, अगर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का कोई यहाँ पे जिक्र ना होता तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमने यूज करनी तो इसको यूज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ भी आप इसको एक्सपेंड करके कर सकते हो, लेकिन हम इसको और इजी बनाएंगे। इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पे जीरो हो सकता है, कैसे हो सकता है, किसी भी आपका R2 में इसको माइनस कर दो, R3 में भी इसको माइनस कर दो, तो आपका जीरो बन जाना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे R2 में क्या कर देते, फिर R2 माइनस R1 कर देते हैं, इस R2 में R1 को हम माइनस करा देते हैं, ऐसे हम क्या कराते हैं R3 में भी ले लेते हैं,
आर थ्री में आर थ्री माइनस आर वन कर देते हैं इसको भी, ठीक है। आर वन वाले को ऐसे रखा हमने, तो बाहर का वही रहेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। डिटर्मिनेंट में अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला तो वही रहना आपका माइनस ए प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज है किसमें, और आपका आर टू इस वाले में चेंज, ये माइनस ये मीन्स जीरो हो गया, और ये माइनस ये, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका थ्री बी, थ्री बी में से आपका कितना जाना है बी जाना, तो कितना बच जाएगा आपका टू बी बचेगा, ठीक है। और टू बी आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वैसे इधर भी हो जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस करना है तो बी माइनस का बी तो रहेगा और सी प्लस का सी रहेगा, यहां माइनस का सी, ये दोनों कट गए तो प्लस का ए, तो आपका ए जो है प्लस का बचेगा और बी किसका बचेगा माइनस का बच जाएगा, ठीक है। अब आर थ्री में, आर थ्री में आर थ्री माइनस आर वन करना है तो ये तो जीरो हुआ आपका, ये माइनस ये करोगे सी तो माइनस का रहेगा बी, ये बी माइनस का होगा तो दोनों कट जाएंगे, ए प्लस का आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका ए माइनस सी। यहां पे थ्री सी में से सी गया तो टू सी और माइनस का ए और प्लस का ए, ये आपका यहां से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टेप हम क्या करें अब इसमें, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ये दो चीजें आपकी क्या हो गई, जीरो होगी, ठीक है। किसी रो में किसी कॉलम में आप मैक्सिमम दो जीरो, मैक्सिमम जीरो बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम जीरो जीरो हो चुके हैं, अब ये वाला जीरो नहीं बन सकता है, तो हम इसको इसके अलोंग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे करोगे तो आपका थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं ताकि आपके ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो बाहर वाला तो आपका वही रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको एक्सपेंड किया सी वन के कॉलम के अलोंग, इस वाले सी वन के अलोंग हम क्या करें एक्सपेंड करते हैं, तो वन अंदर बचेगा ये। अब इसके अलोंग अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये वाली चीजें आपकी हट जाएंगी, ये हट गए तो आपका ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होने के लिए कितना आ जाएगा आपका टू बी प्लस ए, मल्टीप्लाई कौन होगा टू सी प्लस ए, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपका माइनस ये दोनों a माइनस बी एंड a माइनस सी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम ओपन कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। आइए अगला वाला क्यों नहीं होगा, समझ गए होगे, ये वाला इससे क्या हो जाएगा आपका, इसके अलोंग हम ओपन इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये हट जाएंगे, ये कुछ भी आए जीरो के कारण जीरो बन जाएगा आपका, इसके अलोंग करोगे तो इससे भी आपका जीरो बनेगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया। मीन्स यहाँ पे प्लस जीरो भी आएगा साथ में, माइनस जीरो प्लस जीरो, ठीक है, मैंने उसको लिखा नहीं, छोड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अब आपका, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो टू टू जा फोर और बी सी, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का टू ए बी, इसको करोगे तो टू ए सी, इसको करोगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस का ए सी एंड माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस का बी सी, ठीक है, यहाँ पे बी और सी, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी, तो यही रहा आपका। अंदर कितना हो जाएगा फोर बी सी प्लस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर, अब इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से तो कितना आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस ए बी माइनस का बी सी, ठीक है। यहाँ से कुछ कट गया आपका, ये कटा तो ए प्लस बी प्लस सी, अंदर बच जाएगा आपका देखो बी सी यहाँ पे है और ये भी आपका, ठीक है। तो ये फोर में से वन गया थ्री, थ्री बी सी आ गया, टू ए बी और ए बी कितने हो गए आपके थ्री ए बी, और ए सी ए सी कितने हो गए आपके थ्री ए सी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे किसको, थ्री कॉमन आ गया तो आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी एंड बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये आ गया। इसको अगर आप क्या करोगे, अरेंज करोगे जैसा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ले आओगे इसको, आगे पीछे कम्यूटेटिव होता है, तो आपका बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लोगे और आगे के क्वेश्चन भी आप देखोगे फिर, ठीक है, फिर हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और, ठीक है, ओके, थैंक यू।